बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की और साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे, दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 16 जून 2022, आषाढ़ कृष्ण द्वितीया पर चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, राहु काल रहेगा दोपहर को 2:07 से लेकर शाम 3:51 तक, भद्रा रहेगी शाम 7:55 से लेकर अगले दिन सुबह 5:23 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक। विशेष क्या है, प्रजापति योग है, प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं और विशेष क्या है, इस दिन ब्रह्मदेव का पूजन किया जाएगा और आपको बताएंगे विशेष उपाय में कैसे ब्रह्मदेव जो हैं मानसिक कुशाग्रता देंगे आपको। इसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ में, काम समय पर पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दफ्तर में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, लोगों से मदद मिलेगी, परिजनों के साथ में घूमने जाएंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक क्षेत्र पर केसर से तिलक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे, काम की तारीफ होगी, नए सौदे हाथ आएंगे, सामाजिक कामों में सफल रहेंगे, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। उपाय ये करें कि तुलसी के पौधे पर पीला चंदन चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा स्लेटी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, कोई खुशखबरी मिलेगी, घरेलू रिश्ते मजबूत होंगे, घरेलू माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा, मन में धार्मिक विचार आएंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी महिला को चना दाल दान करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, थकान महसूस होगी, कारोबार में धन लाभ के योग हैं, दोस्तों के साथ में तालमेल बढ़ेगा, आर्थिक मामले में सतर्कता बरतें। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, नए काम करने का मौका मिलेगा, संतान के साथ समय बिताएंगे, घरेलू संबंध सुधरेंगे, रुके हुए काम में गति आएगी, धन निवेश से लाभ होगा। उपाय ये करें कि सोने के आभूषण पहने, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, सोचे हुए काम पूरे होंगे, धनार्जन के मौके मिलेंगे, दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी, नए लोगों से संपर्क होगा, रचनात्मक कामों में रुचि रहेगी। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में पीतल के बर्तन का प्रयोग करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, घर में खुशी का माहौल रहेगा, घरेलू जिम्मेदारी पूरी करेंगे, बड़ा आर्थिक निर्णय लेंगे, व्यवसाय में बड़ा लाभ होगा, खास काम में बाधा आएगी। उपाय ये करें कि घी में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे दीपक करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, मन जो है वो सामाजिक कार्यों में लगेगा, घर में प्रसन्नता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, छात्र मन लगाकर पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ में संबंध सुधरेंगे। उपाय ये करें कि कागज पर पीले स्केच पेन से धन लिखकर तिजोरी में रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, अचानक से लाभ होगा, संतान से खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, मित्रों की सलाह से लाभ होगा, कारोबारी यात्रा से लाभ के योग हैं। उपाय ये करें कि दूध में केसर मिलाकर सेवन करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, दफ्तर में कामकाज का बोझ बढ़ेगा, छात्र कड़ी मेहनत करेंगे, अजनबियों पर भरोसा ना करें, सलाह लेकर ही निवेश करें, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। उपाय ये करें कि रुमाल पर हल्दी से टीका करके जेब में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, पिछले कामों से लाभ होगा, नए लोगों से संपर्क से लाभ होगा, आर्थिक क्षेत्र सुधरेगा, अचंभित करने वाले संदेश मिलेंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में केला चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, घरेलू जीवन आनंदित रहेगा, रोजी रोजगार के मौके मिलेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क होगा, भाषा पर काबू रखें, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि घर के ईशान कोण में धार्मिक पुस्तक रखें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला।
तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो मानसिक कुशाग्रता लेके आएगा, यानी कि मेंटल शार्पनेस, आप शार्प बनेंगे, फटाफट से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। देखिए विशेष दिन है, खास दिन है, प्रजापति योग है और इस दिन ब्रह्मदेव के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, विशेष रूप से अशोक के पत्ते पर हल्दी से प्रजापतये ये लिखकर सिर से इसे स्पर्श कराएं और इसे जल प्रवाह कर दें और पूरे प्रयोग में ब्रह्मदेव के विशेष मंत्र का जाप करें, ओम प्रजापतये नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, मानसिक कुशाग्रता निश्चित बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।